देशवासियों को एक संदेश दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। पूरे देश में वैश्विक महामारी से बचाव के लिए भारत में विश्व राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। भारत में सबसे पहले विश्व वैश्विक महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार कर ली। शुभारंभ के बाद जनपद में सभी को पहले कोविड-19 राष्ट्रीय टीकाकरण का पहला टीका मुख्य चिकित्सा अधिकारी AK पांडे को दिया गया। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टीकाकरण देने का आदेश हुआ। टीकाकरण होने के बाद करीब 30 मिनट तक ऑब्जर्व रूम में रहना अनिवार्य है। अधिकारियों की मौजूदगी में वैक्सीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी गई है। वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्व रूम से बाहर निकले मुख्य चिकित्सा अधिकारी AK पांडे ने वैक्सीन लगने के बाद का अनुभव बताया है और क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। बिल्कुल कुछ हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, जैसे और वैक्सीन सब लोग लगवाते रहते हैं, अक्सर टेटवेक लगवाते हैं, कुछ लगवाते हैं, उसी तरह से ये भी है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।